हेलो फ्रेंड्स, भारत भूषण एडवोकेट अगेन। हम डिस्कस कर रहे हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी के नए रेट आए हैं 1 अप्रैल 2019 से। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की जो नए रेट 1% और 5% के जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर आए हैं, 1% अफोर्डेबल पर और 5% जो दूसरे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, और जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर कमर्शियल स्पेस 15% या उससे कम होता है, उस पर भी हमने डिस्कस किया कि 5% जीएसटी लगेगा विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उन पे क्या कंडीशंस है वो भी हमने डिस्कस की पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर डेवलपर्स ओल्ड रेट ऑप्ट कर सकते हैं, तो इस तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं क्या और उन पर क्या रेट लगेंगे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में दो रेट दिए हुए हैं, जीएसटी एट द रेट ऑफ 8%, 12% टैरिफ रेट है और 1/3 लैंड की अबेटमेंट है। ये अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग हो और जो पहले से चल रहे हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोज में भी बात की थी कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अगर लैंड के साथ कोई पहले से बना रहा है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो वो 8% के रेट पे जीएसटी दे सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, जैसे पहले स्कीम होती थी। जैसे नई स्कीम आने से पहले, नए रेट आने से पहले जो चल रहा था उस पर वो 8% रेट पे काम कर सकता है। अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अलावा जो दूसरे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की क्राइटेरिया जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको पूरा कर रहे हैं, उनके ऊपर जीएसटी रेट पहले की तरह ही 12% होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटी जो पहले मिल रही थी वो भी मिलती रहेगी। कॉमर्शियल स्पेस रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसके अंदर कॉमर्शियल स्पेस 15% या उससे कम है, उस कॉमर्शियल स्पेस पर भी हम 12% टैक्स दे सकते हैं ओल्ड रेट जो टैक्स का है, और वही इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह की सारी फैसिलिटीज हमें मिलती रहेंगी। और जो रिवर्स चार्ज 80% उससे खरीदना है रजिस्टर्ड बायर से, ये सब कंडीशंस भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर नहीं लगेंगी। तो अब डिस्कस करते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की में क्या फॉल करेगा, क्या क्या कंडीशंस है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो 31 मार्च 2019 से पहले ये नीचे जो दी हुई कंडीशंस हैं ये सारी कंडीशंस पूरी करें। एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही है तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बात करना चाह रहा हूं कि 31 मार्च वाज एन हॉलीडे, इट वाज संडे। तो एज पर जनरल क्लॉज एक्ट, अगर कोई काम पूरा करने की डेट हॉलीडे होता है तो वो कंडीशन अगर नेक्स्ट डे को भी पूरी हो जाती है तो वो माना जाएगा कि वो 30 उस लास्ट डेट में पूरी हुई है। तो 31 मार्च बीइंग संडे, तो अगर 1 अप्रैल को भी ये कंडीशंस पूरी हो रही है तब भी ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। पहला है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 31 मार्च से पहले या 31 मार्च को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू कर दिया हो। सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्ट ए चार्टर्ड इंजीनियर और ए लाइसेंस सर्वेयर दैट कंस्ट्रक्शन हैज बीन स्टार्टेड। 31 मार्च से पहले इन तीनों में से कोई एक सर्टिफाई कर दे कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। 31 मार्च से पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, अपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट में पार्शली या फुल्ली बुकड हो गए हैं बाय 31 मार्च। फिर से मैं कह रहा हूं 31 मार्च बीइंग संडे, आप इसको 1 अप्रैल कंसिडर करें। अब हम डिटेल में ये चारों कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मींस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ए बिल्डिंग परमिट और द कंस्ट्रक्शन परमिट बाय व्हाटएवर नेम कार्ड इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अलाउ और परमिट द प्रमोटर टू बिगिन डेवलपमेंट वर्क ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द सैंक्शन प्लान। मींस नक्शा पास हो गया, आपको परमिशन मिल गई, आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, तो वो 31 मार्च से पहले वो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट ने या चार्टर्ड इंजीनियर या सर्वेयर ने सर्टिफाई करना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड बाय 31 मार्च, तो वो कैसे सर्टिफाई करेगा। अगर उस प्रोजेक्ट का अर्थवर्क पूरा हो गया है और फाउंडेशन के लिए खुदाई होनी शुरू हो गई है
बाय 31 मार्च तो ये माना जाएगा कि कब उस पे कब कंस्ट्रक्शन कमेंस हो गई है। अब तीसरी कंडीशन थी एन अपार्टमेंट बुकड ऑन ओन आर बिफोर द 31 मार्च 2019। इसका मतलब है कि ये तीनों कंडीशन अगर पूरी हो रही है तभी माना जाएगा कि ये अपार्टमेंट बुक हो गया है। पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ विच एज टाइम ऑफ सप्लाई ओन आर बिफोर द 31 मार्च 2009। पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर 31 मार्च का मतलब है कि जो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 13 में टाइम ऑफ सप्लाई है वो 31 मार्च से पहले हो, मींस इनवाइस इशू हो गया हो, पेमेंट आ गई हो, जो उनमें कंडीशंस है वो पूरी हो, तो वो पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। एक किस्त कम से कम प्रमोटर के अकाउंट में, एक फ्लैट की एक किस्त प्रमोटर के अकाउंट में क्रेडिट हो गई हो बाई 31 मार्च। By 31st मार्च अलॉटमेंट लेटर या सेल एग्रीमेंट साइन हो गया हो, तीनों कंडीशन कम्युलेटिवली पूरी होगी तो ये माना जाएगा कि ये अपार्टमेंट 31st मार्च से पहले बुक हो गया था। अब ये सारी कंडीशन पूरी है तो ये माना जाएगा कि ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है। अब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको वन टाइम ऑप्शन है टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 8% और 12% विच एवर एप्लीकेबल, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो आप 12% पे ऑप्ट कर सकते हैं, और सॉरी 8% पे, और दूसरे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो 12% पे, कमर्शियल इन RREP है तो भी 12 पे। अगर वो तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए आप ऑप्ट करेंगे तो वो अपने आप ऑप्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है 10 मई से पहले एक्सरसाइज करनी है बाय 10 मई। ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज की तो आपको 1% का अफोर्डेबल पर और दूसरों पर 5% की वो अपने आप लग जाएगा, 5% रेट देना होगा विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की। आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले इनवाइसेस इशू कर सकते हैं जो उनके प्रोजेक्ट है उनके, लेकिन जो ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है इनवाइस उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। कमर्शियल अपार्टमेंट इन पे क्या रेट लगेगा? कमर्शियल अपार्टमेंट इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर वही 5% रेट लगेगा जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अदर देन अफोर्डेबल पर लगता है, और वही कंडीशंस होगी। इन ऑनगोइंग RREP जहां पर प्रमोटर ने 8% या 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऑप्ट किया है तो वहां पर कमर्शियल अपार्टमेंट्स पे भी 12% टैक्स लगेगा, बाकी सारे कमर्शियल अपार्टमेंट्स पे पुराना वही 12% का टैक्स लगेगा। ये 18% रेट है, जो भी मैंने रेट बताए हैं ये आफ्टर अबेटमेंट रेट बताए हैं 1/3 के। थैंक्स फॉर स्पेरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नए अमेंडमेंट्स जो नए आए हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या ट्रीटमेंट होना है। थैंक्स फॉर स्पेरिंग योर टाइम। काइंडली लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको नए वीडियोज मेरे जो आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाए, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरा ये एफर्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू।